वेलकम टू एरोमेटिक कुकिंग। आज हम आपके लिए एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं, बटर गार्लिक ब्रोकली की रेसिपी। बटर गार्लिक मशरूम तो खाया ही होगा, तो आज ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही हेल्दी है, वेट लॉस के लिए बहुत परफेक्ट रेसिपी है। साथ ही इसे इंजॉय कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, डायबिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, और फैटी लीवर वाले भी इसे इंजॉय कर सकते हैं और हेल्दी पैटर्न अपना रहे, तो ज़रूर इसे इंजॉय कीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बर्तन में पानी को हीट कर लेंगे। आप ये चाहें तो इसको बॉईल कर लीजिए या इसको अच्छे से गर्म होने दीजिए। इसमें एक चम्मच हमने नमक डाल दिया है, आप चाहें तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप अगर ये वाला पार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मली ब्रोकली को इस तरह से पीसेस में कट कर लीजिए और इसके बाद में जो प्रोसेस है वो कीजिएगा। बट मैं यहाँ पे बेटर समझती हूँ कि इस तरह से मैं गर्म पानी में थोड़ी सी देर के लिए ब्लांच कर लेती हूँ ब्रोकली को, क्योंकि ब्रोकली के जो ऊपर वाली कवरिंग होती है वो इतनी ये ग्रीन होती है कि अगर उस पर कुछ इम्प्योरिटी होता भी है तो दिखता तो है नहीं। तो इसीलिए बैक्टीरियाज़ को किल करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से ब्लांच कर लेती हूँ। कुछ लोग इसको बॉईल करके भी ब्लांच करते हैं, बट बॉईल करके बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम करते हैं गुनगुने पानी में, इसको थोड़ी देर के लिए नमक के पानी में डाल देते हैं, तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट तो नहीं लॉस होते, बट हाँ होते तो हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं होते। तो यहाँ पर अब हमने एक तरफ उसको निकाल दिया है, दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे और उसमें बटर को इस तरह से मेल्ट कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ी देर ब्रोकली को डिप रहने दीजिएगा, उसके बाद उसके पानी को निकाल सकते हैं। बस हमने लिया है यहाँ पे बटर, और बटर को अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। हमारे पास ब्रोकली थी, तीन पीसेस थे ब्रोकली के, अच्छे पीसेस थे हमारे पास में, बड़े पीसेस थे। तो यहाँ पर हमने एक चम्मच लिया है ज़ीरा, इसे आप हाफ टी स्पून भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लिया है हमने सरसों दाना यानी कि मस्टर्ड सीड्स, इसमें आप हाफ टी स्पून ऑफ हींग को ऐड कर देंगे, हींग से डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। ब्रोकली वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं। यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स अकॉर्डिंगली ऐड कर देंगे, जितने आपको मिर्ची चाहिए ऑब्वियसली उतना ही ऐड करना है। आप चाहें तो ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं या फिर मेरी तरह ब्लैक पेपर लास्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग आपको 2 टीस्पून के अराउंड सेसमे सीड्स ले लेने हैं, मैं थोड़े से सेसमे सीड्स ज़्यादा ले रही हूँ। तो यहाँ पर हमने सेसमे सीड्स ले लिए हैं और इसी बटर के साथ मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ भूल चुकी हूँ, आपको जैसा कि रेसिपी के नाम से ही पता लग गया होगा, गार्लिक मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको किया है, बट आप गार्लिक इसी स्टेज पर ऐड कर लेंगे। अच्छे से 7-8 कलियाँ गार्लिक की बारीक चॉप करके आपको यहाँ पे रोस्ट कर लेनी है इसी बटर के साथ में। देखिए यहाँ पे सब रोस्ट हो चुका है, अब मैं इसमें ब्लांच किया हुआ ब्रोकली को ऐड कर दूँगी। सिर्फ डर्ट और इम्प्योरिटी को हटाने के लिए मैंने इसको गुनगुने पानी में डाल के निकाल लिया है, बॉयल ना करें बेहतर होगा। यहाँ पर हमने सारी ही चीज़ें डाल दी हैं, पर अभी और कुछ बाकी है लगता है ना आपको, तो यहाँ पे सॉल्ट की कमी है, हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। वेट लॉस जर्नी पर अगर आप हैं तो आप इसमें पिंक सॉल्ट का यूज़ करें, एज़ पर द टेस्ट ऐड कर लें। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर आप इसमें ऐड करिए, ब्लैक पेपर पाउडर अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे, जितना आपने चिली फ्लेक्स या फिर ग्रीन चिली ऐड किया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको ब्लैक पेपर पाउडर डालना है, अदरवाइज़ बहुत तीखा हो जाएगा। आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑरिगैनो है या फिर कोई इटालियन हर्ब्स है वो ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसको नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं इसको इसी तरह से सिंपली बना रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, स्टर करते रहना इन बिटवीन आपको, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसमें गार्लिक ऐड करना भूल गई थी, गार्लिक मैंने पास में ही रखी थी पर समय आते आते मैं इसको भूल गई, और एकदम से अचानक से ये रेसिपी बनाते हुए मुझे याद आया, अरे ये रेसिपी तो गार्लिक ब्रोकली बटर गार्लिक ब्रोकली की रेसिपी है और इसमें तो मैं गार्लिक डालना ही भूल गई हूँ। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ी देर स्टर करने के बाद में एक दूसरे पैन में ट्रांसफ़र किया, और यहाँ पे उसी पैन में मैंने थोड़ा सा बटर लिया है, इस पैन में बटर हीट करने के बाद में मैंने गार्लिक को रोस्ट कर लिया है।
तो आप तो इसे काम को फर्स्ट स्टेज पे ही कर लें, बेहतर होगा, मेरी तरह ना भूलें। आप इसको सैलड के रूप में भी ले सकते हैं, आप लंच में भी इस रेसिपी को दही के साथ में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। हेल्दी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तभी भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर गार्लिक अच्छे से सौते हो चुकी है, इसको बीच बीच में चला के स्टिर करते रहना है आपको, कुछ और ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने पहले ही सारा मटेरियल ऐड कर लिया है। ये फर्स्ट स्टेप था जो कि हम भूल चुके हैं। बस बिना टाइम वेस्ट किए हम इसमें सारी वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे। मॉइस्चर रिलीज़ हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था, और सॉल्ट ऐड करने के बाद में वेजिटेबल्स का मॉइस्चर रिलीज़ हो जाता है। इसीलिए कभी भी हम स्टफ़ पराठा या कुछ भी ऐसा बनाते हैं वेजिटेबल्स के साथ में तो वो नम हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी इसी मॉइस्चर के साथ हम इन वेजिटेबल्स को कुक कर लेंगे, बिना पानी को ऐड किए स्टीम कुक कर सकते हैं आप इसे। बस यहाँ पे देखिए, मैं क्लोज़अप दे देती हूँ आपको कि हमारे ब्रोकली का कलर अभी कैसा है और लास्ट तक इसका कलर कैसा हो जाएगा। मुझे रॉ ब्रोकली का कलर इतना प्यारा लगता है ना कि लास्ट तक ये कलर बचता नहीं है। बस कुछ देर देखिएगा, स्टीम करने के बाद में ये इसका कलर चेंज हो चुका है। इसको कवर करके रख दीजिए कुछ देर के लिए, और इसको इन बिटवीन आपको स्टर करते रहना है ताकि ये इवनली पक जाए। मॉइस्चर रिलीज़ हो रहा है काफ़ी हद तक, और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं टेस्टी हेल्दी रेसिपी को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इसको इन बिटवीन स्टर करते रहिए। लास्ट तक आते आते देखिए कलर कितने अच्छे से चेंज हो गया है। और दूसरे बर्तन में मेरी पक रही है कैमोमाइल टी, जिसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको गैस एसिडिटी वाला इशू रहता है तब आप कैमोमाइल टी के साथ में क्या क्या और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जल्दी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमारी ब्रोकली तैयार है, और इसमें हम ऐड कर देंगे लेमन जूस, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट में बेहतर हो जाए। और कुछ भी नहीं ऐड करना है, बस सिंपली आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर को ऐड कर सकते हैं, जिससे इसमें खुशबू अच्छी आ जाए और आप इसे इंजॉय कर पाएँ। तो दिस इज़ परफेक्ट वेट लॉस रेसिपी। आप इसे लंच में डिनर में इंजॉय कर सकते हैं। लंच में ले रहे हैं तो इसे कर्ड के साथ इंजॉय कीजिएगा, थोड़े से लास्ट में सेसमे सीड्स के साथ इसको गार्निश कर लीजिए ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। इंजॉय करें आप इस रेसिपी को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे हेल्थ टिप्स मिल जाएंगे। फिट डाइट फॉर यू फूड को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे आपको डेली हेल्थ टिप्स मिल जाते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्जॉय कीजिए हमारी मज़ेदार रेसिपीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इन्जॉय दिस रेसिपी। और बताना मत भूलिएगा हमें कमेंट बॉक्स में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोडेड हैं तो सारी रेसिपीज़ को ज़रूर देखिएगा एरोमेटिक कुकिंग पर। मिलते हैं, बाय बाय।